News 18, India. अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के, वो इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। रशीदी साहब, मुझे आपसे सीधा ये समझना है कि आप लोग अलग अलग वक्त में अलग अलग बयानबाजियां करते हैं, लेकिन एनआईए की कई रिपोर्ट्स सामने आ चुकी है जिसमें इन मदरसों को कहां से फंड होता है वो भी क्लियर हो चुका है। अगर आप संगीत सोम को सुन रहे होंगे तो बीजेपी के क्या क्या आरोप है ये भी आप जानते हैं, और अभी मदरसे से जो एक आवाज आई है एक फतवा के तौर पर, गजबाए हिंद वैध है, आपकी प्रतिक्रिया। जी मां जी, पहले तो आप एक बात को अच्छी तरह समझ लीजिए, फतवा क्या होता है। फतवे का मतलब ये होता है कि एक आदमी एक सवाल लिखकर देता है, उसका जवाब मुफ्ती लोग कागज पर लिखकर दे देते हैं। ये जो आप बता रहे हैं जिस फतवे का आज जिक्र हो रहा है, ये आज का फतवा नहीं है, ये तो दसों साल पुराना है। और एक आदमी ने सवाल किया कि साहब क्या गजवाए हिंद का जिक्र है हदीस की किताबों में? उन्होंने उसका जवाब दिया कि हाँ जिक्र है। ना तो सवाल करने वाले ने कहा कि हम कम करेंगे, साहब सिर्फ जिक्र नहीं किया, उन्होंने कहा कि इस्लाम में ये वैध है गजवाए हिंद। लेकिन आप भी कबूलते हैं ना कि गजवाए हिंद के मायने क्या होते हैं? आप गलत कह सर, आप गलत कह रही है। ऐसा कहीं दारुल उलूम ने नहीं लिखा कि गजवाए हिंद वैध है, कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने इस पे स्वतः संज्ञान भी ले लिया है, डीएमएसपी को तलब भी कर लिया गया और एफआईआर होने के मामले आ गए हैं सामने। अरे सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, इसमें एफआईआर होने जैसी कोई चीज है ही नहीं। कहां से एफआईआर, क्यों करेंगे एफआईआर, कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा क्लोज है इसमें जिसमें एफआईआर हो जाए? एक साहिल ने पूछा कि भाई गजवा हिंद की क्या वैधता है हदीस में, तो उन्होंने कहा कि हाँ ये फला किताब में एक हदीस मौजूद है, फला साहबी ने इसको जिक्र किया है, ये मौजूद है। तो इसमें ऐसा ना तो पूछने वाले ने कहा कि हमें कब गजवा करना आप है, इनकार ना कर रहे हैं। जवाब देने वाले ने कहा, आप मुझे बता दीजिए कि गजवाए हिंद के मायने क्या होते हैं, आप मुझे बताइए। देखिए गजवाए हिंद कुछ भी नहीं है, ये बनी बनाई कहानी है, बीजेपी के लोगों ने बना रखी है। जैसे अभी मुफ्ती शमून कासमी ने कहा गजवा, आपने कहा कि इसका जिक्र किताब में है, अभी आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी ने शब्द दिया है। हाँ सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ, गजवा उसको कहते हैं जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद मौजूद थे, उनको गजवा कहते हैं। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुनिया से जा चुके, तो अब अगर कोई हिंदू मुसलमान की इस तरह की कोई लड़ाई होगी उसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मौजूद नहीं होंगे, तो गजवा उसको कहां से कहा जाएगा? मेरे साथ ना कासमी साहब है, मुफ्ती शमून कासमी, गजवा उसको कैसे कहा जाएगा? आप जो कह रहे हैं, एक और सुनिए, क्या कासमी साहब आप इत्तफाक रखते हैं? ये वही गजवाए हिंद की परिभाषा है जो कि मदरसे से निकली है, और ये जो कह रहे हैं क्या एक ही बातें हैं? देखिए मैंने अभी पहले जो वाजे किया है, बिल्कुल स्पष्ट किया है कि उसे गजवा नहीं कहते, बल्कि ये एक तरह से तखरीब कारी है जो लोग कर रहे हैं। यानी मैं आज ये बात कहूंगा कि मदरसों के अंदर आज तेजी के साथ मदरसे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। मैं उत्तराखंड सरकार के अंदर जो मदरसे हैं हमारे, हमने मॉडर्नाइजेशन आधुनिकीकरण से जोड़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमने यहाँ पूरा सिलेबस जो है तैयार किया है, और एनसीईआरटी का सिलेबस है उसे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि वो बच्चे राष्ट्रवाद से जुड़ सके और राष्ट्रवादी विचारधारा उनकी विचारधारा हो। सर, मैं आपके पास आती हूं। आप के गजवा हिंद का कोई तसव्वुर नहीं है, और गजवा उसी को कहते हैं जिसमें मोहम्मद साहब लीड कर रहे हो, मैंने पहले भी कहा, और मोहम्मद साहब इस वक्त दुनिया में नहीं है। रशीदी साहब, अब मेरा सवाल ये है कि मदरसे में गजवाए हिंद की जरूरत क्यों पड़ रही है? जब सब मैं एक सवाल मुफ्ती साहब से कर लूं, आप कर लीजिए। इन्होंने कहा कि हम अपने मदरसों को एनसीईआरटी से जोड़ रहे हैं ताकि राष्ट्रवाद से जुड़ सके, तो जो मदरसे जिनमें हदीस और कुरान पढ़ाया जा रहा है कि वो राष्ट्रवादी नहीं है? उनमें राष्ट्रवाद नहीं पढ़ाया जाता? जिस मदरसे से आपने तालीम ली है दारुल उलूम देवबंद से, क्या उसमें राष्ट्रवाद नहीं पढ़ाया जाता? लेकिन राष्ट्रवाद पढ़ाते पढ़ाते ये गजवाए हिंद की बात क्यों हो रही है, ये बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? रीमा, मैं तो पहले भी दर्शकों के सामने कह चुकी, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत के कई मदरसों में एनआईए की रिपोर्ट्स ये कहती है कि वहां पे विदेशी फंड पहुंचते हैं, गुमराह करने के लिए बच्चों को क्या क्या कदम उठाई जाती है, सारी बातें तो आप गलत कह रही है, आप गलत कह रही है। एनआईए की कोई ऐसी रिपोर्ट मुझे दिखाइए आप जिसमें ये कहा, हम उन्हें आईएएस और आईपीएस और जब वो मुकाबले के इम्तिहान के लिए तैयार होंगे तो फिर किसी के हाथों का खिलौना नहीं बनेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि उनकी आर्थिक कमजोरी का
जो पसमानदा गरीब मुसलमान बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं उनका फायदा उठाते हैं ताकि उनका इस्तेमाल न कर सके। और आज राष्ट्र जो है वो विकास की ओर बढ़ रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबके प्रयास उसे आगे लेके चल रहे हैं। दोनों का ही रुक कर उनकी स्वामी दीपांकर इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके।